गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में बताते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये वीडियो सितंबर 2018 का है। इसके बाद अगर कोई चेंज होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ में आपको ताजा अपडेट मिलेगा कभी भी। ये है इंडिया का मैप, यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, इसकी कैपिटल है श्रीनगर गर्मियों में, और सर्दियों में कैपिटल होती है जम्मू। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। यहाँ भी राज्यपाल शासन लगा हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है। राज्यपाल शासन लगने से पहले यहाँ पर महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी। जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ की राजधानी शिमला है जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, जबकि मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। ठाकुर जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये है पंजाब, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। देखिए चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, तो पंजाब की भी और हरियाणा की भी। हरियाणा के बारे में आगे बताऊंगा मैं। तो पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, इन्हें वीपी सिंह बदनौर भी कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। आगे हरियाणा, ये रहा मैप में हरियाणा, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है जैसे मैंने बताया था अभी। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, तो खट्टर भाजपा से हैं। ये रहा उत्तराखंड, यहाँ की राजधानी देहरादून है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है, जबकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भाजपा से हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश मैप में और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नाईक और मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, योगी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। यूपी के बगल में बिहार है, यहाँ की कैपिटल है पटना, इसके राज्यपाल हैं यानी बिहार के राज्यपाल हैं लालजी टंडन और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो जनता दल यूनाइटेड से हैं। बिहार के बगल में ये झारखंड है, यहाँ की राजधानी रांची है, इसकी राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू है, जबकि मुख्यमंत्री की बात करें तो ये हैं रघुबर दास और वो बीजेपी से हैं। ये है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, इसकी कैपिटल कोलकाता है। केसरी नाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से हैं। अब बारी है भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से के राज्य सिक्किम की। ये मैप है, छोटा सा राज्य है, इसकी राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं और मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग हैं। चामलिंग SDF पार्टी से जुड़े हैं। ये रहा असम, यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, आपको याद रखना है। इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनेवाल, वो बीजेपी से हैं सर्बानंद सोनेवाल। और ये देखिए नॉर्थ ईस्ट इलाके में सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की राजधानी है ईटानगर। इसके राज्यपाल हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ठीक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, वो बीजेपी से जुड़े हैं। अब बारी है नागालैंड की, यहाँ की राजधानी है कोहिमा और इसके राज्यपाल हैं PB आचार्य और मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। रियो जो है वो NDPP पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये आपको याद रखना है। नागालैंड से सटा हुआ है मणिपुर और ये देश का खूबसूरत राज्य है, यहाँ की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राज्यपाल हैं नेजमा हेप्तुल्ला, जबकि मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं एन बीरेन सिंह। अब बात मिजोरम की, मैप में ये रहा मिजोरम, कैपिटल है आइजॉल। मिजोरम के राज्यपाल हैं कुमार मान राजशेखरन, ठीक है, और मुख्यमंत्री हैं पूलल थनहवाला, तो वो कांग्रेस से हैं। ठीक है, मिजोरम आपने देख लिया। अब त्रिपुरा की बारी है, ये रहा त्रिपुरा, इसकी राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी, जबकि मुख्यमंत्री हैं बिप्लव कुमार देव, ठीक है, और वो बीजेपी से हैं। अब बारी है मेघालय की, मेघालय नाम मेघ से पड़ा है यानी बादलों से, यहाँ बारिश खूब होती है। इसकी राजधानी है शिलोंग और मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत राय, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। संगमा जो है वो NPP पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब देश के दूसरे तरफ चलते हैं, ये रहा राजस्थान और यहाँ की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के गवर्नर हैं कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, राजे जो हैं वो बीजेपी से जुड़ी हैं। राजस्थान के पास ही गुजरात है, इसकी राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। गुजरात के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली, जबकि मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, रूपाणी बीजेपी से हैं।
अब बात मध्य प्रदेश की, इसे देश का दिल कहा जाता है और इसकी राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल, जो पहले गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो बीजेपी से जुड़े हैं। यहाँ पर अब चुनाव होने वाला है कुछ वक्त में। ये रहा छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी रायपुर है। कुछ वक्त बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर हो जाएगी, जिसे अटल नगर के नाम से जाना जाएगा। ये रायपुर से 24 किलोमीटर दूर है और एक नया शहर बनाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नर भी आनंदी बेन पटेल है, वो यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार के तौर पर हैं। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के रमण सिंह, वो बीजेपी से जुड़े हैं। अब बारी ओडिशा की, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, जबकि मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वो बीजेडी यानी बीजू जनता दल से जुड़े हैं नवीन पटनायक। अब बारी महाराष्ट्र की, यहाँ की राजधानी है मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है और उपराजधानी नागपुर को कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव, जबकि मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस बीजेपी से जुड़े हैं। अब तेलंगाना के बाद, ये मैप में रहा तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से टूटकर बना है। इसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल हैं ESL नरसिंहा, जबकि तेलंगाना के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, वो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के चीफ भी हैं। तो सवाल है कि यहाँ पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री क्यों है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया था, चुनाव की सिफारिश की गई थी। तो जब तक यहाँ पर चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक के लिए के चंद्रशेखर राव यहाँ के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। अब बात आंध्र प्रदेश की, इस मैप में यहाँ पर है आंध्र प्रदेश और इसकी राजधानी है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की भी राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो अब अमरावती है और इसे बेहतरीन शहर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो कुछ वक्त बाद आपको देखने को मिलेगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। इस वक्त फिलहाल हैदराबाद है आंध्र प्रदेश की राजधानी, और अगर सवाल आए कि प्रस्तावित राजधानी क्या है, तो वो है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं ESL नरसिंहा, जो कि तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े हुए हैं। और ये रहा कर्नाटक, यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजू भाई बाला, जो कुछ वक्त पहले गुजरात के राज्यपाल थे, जबकि मुख्यमंत्री कर्नाटक के HD कुमार स्वामी हैं। कुमार स्वामी जनता दल S से जुड़े हैं। कर्नाटक के बगल में तमिलनाडु है, ये रहा। यहाँ की राजधानी है चेन्नई, यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, जबकि मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, वो AIDMK से जुड़े हैं पलानी स्वामी। इंडिया के मैप में ये रहा केरल, इसकी राजधानी त्रिवेंद्रम है। केरल के राज्यपाल हैं P सदाशिवम, जबकि मुख्यमंत्री हैं P विजयन, वो माकपा पार्टी से जुड़े हैं। आपको पता ही होगा कि हाल ही में केरल में बाढ़ की वजह से बहुत तबाही हुई है, और ये क्वेश्चन आ सकता है तबाही को लेकर, बाढ़ को लेकर। अब बात गोवा की, ये छोटा सा राज्य है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से सटा हुआ है। इसकी राजधानी है पणजी। गोवा की राज्यपाल है मृदुला सिन्हा, और गोवा के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त मनोहर पर्रिकर। पर्रिकर बीजेपी से जुड़े हैं और वो देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो अब तक मैंने 29 राज्यों के बारे में आपको बताया, अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। उससे पहले उपराज्यपाल और प्रशासक के बारे में मैं कुछ बता दूं। यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल में क्या फर्क है। तो गवर्नर जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, जबकि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर एक संघ शासित प्रदेश का प्रमुख होता है, यूनियन टेरिटरी, इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश को एक प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है, यानी शासन किया जाता है, और प्रशासक की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस पद को लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त या प्रशासक कहा जाता है। तो दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप में उन्हें प्रशासक के रूप में माना जाता है। तो सबसे पहले दिल्ली को लेते हैं, ये रही छोटी सी दिल्ली, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, मतलब NCT, इसे हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। तो अब पुदुचेरी को देखिए, ये मैप में पुदुचेरी है, ये चार हिस्से में है, आपको दिख रहा होगा। इसकी राजधानी पुदुचेरी है, जो एक शहर है, ठीक है, राज्य पुदुचेरी है और राजधानी भी पुदुचेरी है, जो एक शहर है।
ये पुदुचेरी आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है, ये जो शहर है वो। इसका दूसरा हिस्सा है उसका नाम है कराईकल, जो तमिलनाडु से घिरा हुआ है, जबकि तीसरा जो जिला है उसका नाम है यानम, वो बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के करीब में, और चौथा है माहे, जो इस तरफ है केरल के पास अरब सागर में। तो पुदुचेरी की राज्यपाल है किरण बेदी और मुख्यमंत्री हैं इसके वी नारायण सामी। नारायण सामी जो है वो कांग्रेस से हैं। ये रहा अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल है एडमिरल डी के जोशी। यहाँ पर विधानसभा नहीं है और मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। अब बात चंडीगढ़ की, ये यूनियन टेरिटरी है। मैप में ये रहा, हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ है। इसके प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर वीपी सिंह बदनौर है, जो पंजाब के राज्यपाल भी हैं। ठीक है, ये रहा यूनियन टेरिटरी दादर और नागर हवेली, छोटा सा है। इसकी कैपिटल है सिलवासा। यहाँ के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। अब ये रहा दमन और दीव, देखिए मैप में ये दो हिस्से में है। इसकी राजधानी दमन है और इसके भी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं। मैप में देखिए ये लक्षद्वीप रहा, कई द्वीपों का समूह है और इसके प्रशासक हैं फारूक खान। इसकी राजधानी है कवरत्ती। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व प्रशासक के बारे में कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। एक और